Hello everyone, Assalamu alaikum, this is Maryam Mirza here. I am here today not to promote my dramas but to promote Azad Properties based in Turkey, real estate agents. And Fahad is here with me. Fahad is dealing with the Pakistan operations. He was in Dubai. He's here now in Pakistan and will be looking after Azad Properties and investments, residencies and lots more in Pakistan for people who want to acquire citizenship in Turkey. So let's talk to Fahad. What is Fahad planning to do here for all the people who wish to live in Turkey? Hello everyone, I'm Fahad Jalil. I have just moved back after 12 years abroad and proud to be associated with Azad Properties Turkey. It's a Turkish company. It's actually the only Turkish company operating in Pakistan. So, it's the only Turkish company operating in Pakistan, licensed by Tapu in Turkey. We are real estate investors, property managers, and brokers. We have been in this business for about 9 years, and because of this recent surge in demand from Pakistani consumers and investors, end users, as I would say, we have decided to open up this office in Karachi to facilitate our investors who are willing to buy a property, invest for getting rental returns or putting up their investments. Of course, and most importantly, if you're willing to put up about $250,000, we will be offering you, we will be facilitating you through the citizenship and residency process, which is only about 4 to 6 months. So, Fahad, we'll go into details later. Sabse important baat. टर्की आजकल हर कोई जा रहा है. आप लोग भी फेसबुक पे देखा होगा, बहुत सारे रियल एस्टेट जो हैं वो टर्की को प्रमोट कर रहे हैं, सिटीजनशिप को प्रमोट कर रहे हैं, पासपोर्ट को कर रहे हैं. और एर्थ्रोल ने बहुत पार्ट प्ले किया इसके लिए. जिन ने ये ड्रामा, मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ टर्किश ड्रामों से और मैं बहुत देखती हूँ और मैंने कोई 1000 ड्रामे तो देख लिए होंगे टर्की के. और मैं खुद जाना चाहती हूँ वहाँ और मैं जा भी रही हूँ but for a year only to see how life is over there. And since I have got this job and Azad has given me this opportunity, तो मैं आपके लिए बहुत सारे videos Turkey में बनाऊँगी. जहाँ जहाँ जाऊँगी, जो जो कुछ करूँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी ताकि मुझे ऐसा feel हो कि आप लोग सब मेरे साथ हैं. That my fans are with me, my people who love my place, and when I come back, I'll be more popular, right? और हम दोनों जो है मिलके बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि हमें टर्की क्यों जाना चाहिए, हम क्यों टर्की जाना चाहते हैं, किस लिए. नंबर वन किस लिए? आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ. एग्जैक्टली, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखें, हमारा मुल्क तो है ही हमारा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं. आई लव पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपरली प्लेस नहीं है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें सुकून की ज़िंदगी नहीं दे रहा. बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं है, पानी, बिजली, गैस. आजकल विंटर्स हैं तो गैस गायब है, गर्मियां हैं तो बिजली गायब है, और पानी रोज़ टैंकर मंगवाने पड़ते हैं लोगों को. तो ये तो ज़िंदगी के बेसिक चीज़ें. मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ फ्री है, जिला है, सिविल है, लेकिन आप लोग जानते हैं क्या हाल पे पहुँच गए हैं. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही यहाँ, लेकिन इंसान को अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है. और उसके लिए अगर कोई ऑप्शंस हैं तो ये ऑप्शन है. आप टर्की के पासपोर्ट ले सकते हैं, नंबर वन. आप टर्की के रेजिडेंट बन सकते हैं, नंबर टू. आप टर्की में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत अच्छी है, फ्री एजुकेशन है, ट्रैवलिंग इज ईजियर. एग्जैक्टली, 120 कंट्रीज वीज़ा फ्री अराइवल पे है या वीज़ा फ्री है? आप अच्छा, वीज़ा ऑन अराइवल है अगर फ्री नहीं है. फिर फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल, दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ चिल्ड्रन. बच्चों की फ्यूचर के लिए फ्री एजुकेशन है, अच्छे स्कूल्स हैं. ये नहीं कि फ्री है तो चलो जैसे भी हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, टर्किश लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो स्कूल्स जाएँ वहाँ. मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, चारों मौसम एंजॉय कर सकते हैं, गर्मी भी, सर्दी भी, बहार भी, और कौन से बीच, एवरीथिंग एवरीथिंग, यू गेट ऑल फोर सीजंस.
and it's a beautiful country. And culturally very strong as well. Yes, culturally strong, and the most important thing, it's halal. It's 99% Muslim state. Har cheez halal hai, har cheez mazay ki hai, cost of living bahut sasta hai, aur standard of living bahut high hai. Aap achha apartment le sakte hain, achhi aapki jitni aamdani ho, aap usme guzara kar sakte hain. Aur agar aap nahi rehna chahte wahan, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पासपोर्ट लेकर अपने अपार्टमेंट्स को वहाँ रेंट पे डाल सकते हैं. अरे आपको ये फिक्र होगी कि वहाँ रेंट पे डालेंगे तो कौन देखेगा, हम है ना, हम मैनेज करेंगे आपके रेंटल रिकवरीज को, हम मैनेज करेंगे आपके मेंटेनेंस को, वी विल बी लुकिंग आफ्टर योर मेंटेनेंस, योर रिकवरीज, एवरीथिंग. वी मीन्स आज़ाद प्रॉपर्टीज. सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फॉर आज़ाद. Fahad is with me over here. I have given you the basic. Our office is in Zamzama, first floor. Right above Habib Bank Limited. And feel free to come for a cup of coffee anytime you want, or tea. Yahan pe actually cappuccino bahut achhi banti hai, so I wouldn't mind serving you that. He's always here, but I'm not. Mere liye aapko appointment lena padega, agar aap mujhse milna chahte hain, kyunki main shoots pe hoti hoon, aap jante hain. To zaroor aaiye, information lijiye. आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कीजिएगा. इफ नॉट द सिटीजनशिप देन यू कैन आल्सो गेट रेजिडेंसी फॉर $40,000. यस, जस्ट टू ऐड, जस्ट $40,000 एंड यू कैन बी अ रेजिडेंट इन टर्की. थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू डोंट थिंक दैट वी हैव डन अ गुड जॉब, नेक्स्ट टाइम विल बी अ बेटर वीडियो. ओके, बाय बाय.